दोस्तों आपने अपनी ITR को फाइल कर दिया है और वहाँ पर आपने रिफ़ंड क्लेम किया था, तो आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है और आपका रिफ़ंड अगर अभी तक नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर ग्रीवाइंस को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा रिफ़ंड अवेटेड 75,972। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ई फाइल के अंदर चले जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है, व्यू फाइल रिटर्न में चले जाना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, जो आपका ये डाउनलोड रिसिप्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप अपनी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी जो है डाउनलोड कर लीजिए और उसको कहीं पर भी सेव कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये लास्ट में जाके इसको अटैच करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ देखिए आपको यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर भी नज़र आ जाएगा। ये इंटीमेशन ऑर्डर जो 75,000 का आपका रिफ़ंड बनता है, ये आपकी मेल पर इंटीमेशन ऑर्डर आया होगा दोस्तों। अगर आपकी मेल पर नहीं आया तो आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका पैन नंबर रहेगा स्मॉल लेटर में, और उसके साथ ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई भी स्पेस या हाइफन आपको यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इंटीमेशन ऑर्डर भी आपको मिल जाएगा, ये आपकी मेल आईडी में ज़रूर आया होगा, जिसका जो है वो ग्रीन कलर से आपको वहाँ पर वो दिखा देगा, क्योंकि जो ग्रीन कलर होता है वो रिफ़ंड का कलर होता है। तो चलिए अब दोबारा आपको क्या करना है, जब ये आप सब कुछ कर लेंगे तो दोबारा इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको ग्रीवाइंसेस के अंदर जाके जो है ग्रीवाइंस सबमिट कर देना है। तो ग्रीवाइंसेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सबमिट ग्रीवाइंस कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए रिफंड नॉट क्रेडिटेड। उसके बाद यहाँ पे जो अभी ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, आपको दोस्तों CPC ITR के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, तो जो कैटेगरी आपकी रहने वाली है वो रिफंड की कैटेगरी रहने वाली है। और फर्दर देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे सब कैटेगरी के अंदर जब आप क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट रिफंड नॉट क्रेडिटेड। तो देखिए मेरे केस में यही मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंटीमेशन ऑर्डर तो रिसीव हो चुका है बट मुझे अभी तक रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएंगे, लीगल हेयर वेरीफाइड बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, अदर रिफंड, पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हेयर ऑफ डिजीज्ड, रिफंड डिटरमाइंड पेड लेस देन एक्सपेक्टेड। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए रिफंड री इशू रिक्वेस्ट रेज बट रिफंड नॉट रिसीव्ड, टिन NSDL स्टेटस, रिफंड स्टेटस मिसलीडिंग। तो इतने सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, जो भी आपका ऑप्शन होगा दोस्तों आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए मैं दोबारा इसको ऊपर ले जाता हूँ, और जो मेरे केस में ऑप्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड क्रेडिटेड या रिसीव, ये वाला ऑप्शन जो है मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही ऑप्शन आप चूज़ करेंगे तो आपको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा असेसमेंट ईयर जो है वो 2023-24 रहने वाला है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए ग्रीवाइंस के बारे में कुछ लिखना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका 100 करेक्टर से लेके 3000 करेक्टर तक हो सकता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है मेरी ITR जो फाइल की गई थी वो 21 जुलाई 2023 को फाइल की गई थी। इंटीमेशन ऑर्डर 143 सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर है जिसके अंदर रिफंड मैंने क्लेम किया था वो 2 अगस्त 2023 को मुझे रिसीव हुआ, बट अभी भी जो रिफंड है वो क्रेडिट नहीं हुआ है मेरे बैंक के अंदर। तो आप मुझे रिफंड जो है वो इशू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप भी जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3000 वर्ड तक आप यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम 100 वर्ड तो आपको जो है यहाँ पर टाइप करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। तो जैसे आप अदर डॉक्यूमेंट में आएंगे लास्ट वाला ऑप्शन, तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपने डाउनलोड की थी वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे, और वो अपलोड होने के बाद दोस्तों आप अपने ग्रीवाइंस को यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप भी जो है अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं प्रोसेस हो पा रहा है, आपके अकाउंट में नहीं आया है, तो आप ग्रीवाइंस जो है वो सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।